हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री है। आज का साइंस हमारी गैलेक्सी में सन को सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स मानता है, और ये सही भी है। हिंदुओं के पूर्वज आर्य शुरू से ही सूर्य के उपासक थे। चूंकि सूर्य को हम धरती पर नहीं ला सकते, इसलिए सूर्य के छोटे रूप अग्नि की यज्ञ के रूप में पूजा किया करते थे। हिंदुओं के पूर्वज आर्यों ने सूर्य को लेके अनेक मंत्र लिखे। सूर्य का एक नाम सविता भी है, जिसका जिक्र गायत्री मंत्र में किया गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स आपके बीच लाया है भगवान सूर्य को समर्पित स्त्रोत, जो उनको सदा से प्रिय है। इसके अलावा सूर्य रक्षा कवचम, जो आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। मुझे चाहिए सफलता, यश और अपार धन। अगर आपकी भी है यही अभिलाषा, तो अवश्य पढ़ें एक ऐसा स्त्रोत जो भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य की स्तुति तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य का एक ऐसा कल्याणमय स्त्रोत जो सब स्तुतियों का सारभूत है, जो भगवान भास्कर के पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है। तो आइए दोस्तों, पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद इसके अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्रीमाम्ल लोक चक्षुर मुहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ताश्व वाहन गभस्तिहस्तो ब्रह्माच सर्वदेव नमस्कृतः एक विंशति रित्येश इस्तव इष्टः सदा रवे। मित्रों, वास्तव में यह श्लोक सूर्य के 21 नामों का संकलन है। इनको इस तरह से रचनाबद्ध किया गया है कि ये श्लोक बन पड़े हैं। ये नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्त्रोत भगवान सूर्य को सदा से प्रिय है। ब्रह्म पुराण अध्याय 31 श्लोक 31 से लेकर 33 के अनुसार यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्त्रोत राज है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्त्रोत के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य स्त्रोत के बाद अब हम बात कर सूर्य कवचम के बारे में, उसका महत्व, उसको कैसे उच्चारण करना चाहिए और उसका अर्थ क्या है। शास्त्रों में वर्णित सूर्य कवच के पाठ से हर आपदा से बचा जा सकता है। यह कवच व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की रक्षा करता है। यह कवच संपूर्ण रूप से सौभाग्य और दिव्यता प्रदान करता है, यश और पराक्रम देता है। यह कवच धारण करने और उसका नियमित पाठ करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य की कृपा से सुख, समृद्धि, सुंदर शरीर और संपत्ति मिलती है। व्यक्ति प्रकाशवान होता है। सूर्य कवच शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। सूर्य रक्षात्मक स्त्रोत को भोज पत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है, उस संपूर्ण सिद्धियां उसके बस में होती हैं। सूर्य कवच को लिखने वाले हैं महर्षि याज्ञवल्क जी। उन्होंने इसका उच्चारण सभी ऋषि मुनियों और संतों के बीच में किया। यह इस प्रकार है: श्रृणुष्व मुनि शार्दुल सूर्यस्य कवचम शुभम शरीरारोग्धम दिव्यम सब सौभाग्य दायकम। अर्थात याज्ञवल्क जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दे दीप्यमान मुकुटम
स्फुरन् मकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्त्रम किरणम स्त्रोत में तुतीर्ये, अर्थात चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले, हजार किरणों वाले सूर्य को ध्यान करके ये स्त्रोत प्रारंभ करते हैं। शिरो में भास्कर पातु ललाट मेलमीत दुति, नेत्रे दिन मणि पातु श्रवणे वासरेश्वर, अर्थात हे भास्कर मेरे सिर की रक्षा करें, आप असंख्य किरणों वाले हैं, आप मेरे ललाट की रक्षा करें, हे दिनमणि मेरी आंखों की रक्षा करें, तथा हे ईश्वर मेरे कान की रक्षा करें। ध्राणम धर्मम धुनि पातु वदनम वेद वाहन, जिह्वा मे मानद पातु कंठम मे सुरवंदितः, हे धर्मघृणी मेरी नाक की रक्षा करें, हे देववंदित मेरे मुख की रक्षा करें, हे मानद मेरी जिह्वा की रक्षा करें, तथा हे देववंदित मेरे कंठ की रक्षा करें। सूर्य रक्षात्मकम स्त्रोतम लिखित्वा भूर्ज पत्रके, दधाति यह करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः, अर्थात सूर्य रक्षात्मक इस स्त्रोत को जो भोजपत्र में लिखकर हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके बस में होती हैं। सुस्ना तो यो जपेत सम्य ज्योधिते स्वस्थ मानसः, सरोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टिम च विन्दति, अर्थात जो कोई स्नान करके स्वच्छ चित्त से इस कवच का पाठ करता है वो सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है और सुख तथा यश प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह थे सूर्य स्त्रोत और सूर्य कवचम। दोस्तों इसका पाठ करने में हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो कृपया करके अपने दिन भर के शेड्यूल में से 5 या 10 मिनट इस सूर्य स्त्रोत के और इस सूर्य कवच के लिए जरूर निकालें। क्या पता आपके जीवन में भी अनएक्सपेक्टेड और अनइमेजिनेबल ऐसे मिरेकल्स हों जिनको आपने कभी सोचा ही नहीं था, आप सभी तरह के रोगों से मुक्त हों और सभी तरह का सुख और यश प्राप्त करें। यही शुभकामना है आस्तिक स्पेशल सीक्रेट्स की। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके अलावा आप किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं यह बात भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस नोटिफिकेशन से मिस ना हो। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें।